हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज से कुल 50 क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोग नहीं होगा यहाँ, प्रयोग गलत टाइप हो गया है, प्रयाग होगा। तो प्रयाग कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रयाग में कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो प्रयाग में कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को जाता है। हर्षवर्धन ने ही, जिसके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन, तो हर्षवर्धन ने ही प्रत्येक वर्ष कुंभ मेला का प्रयाग में कुंभ मेला का आयोजन करता था और अपने जो राज्य में उसका धन, राजकोष में जो धन जमा होता था उसको दान के रूप में देता था। प्रयाग में साल में एक बार कुंभ मेला का आयोजन करवाता था हर्षवर्धन और दान देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? तो नेल्सन मंडेला थे अफ्रीका में गांधी के रूप से मशहूर, नेल्सन मंडेला। और ये दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत भूतपूर्व राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला। और दक्षिण अफ्रीका में सदियों से चली आ रही जो रंग भेद की भेदभाव जो चल रहा था, रंग भेद की नीति जो चल रही थी, उसका खुलकर इन्होंने विरोध किया और इनको अफ्रीका में गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविजन कार्यक्रम कब प्रसारित किया गया था? तो भारत में पहला टेलीविजन कार्यक्रम 1959 ईस्वी को प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? तो भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन प्रत्येक 10 वर्ष में किया जाता है जनगणना, और 1881 ईस्वी से इसको पूरे भारत में इसको शुरुआत की गई थी 1881 ईस्वी में जनगणना। उसी समय से प्रति दस वर्ष के अंतराल में जनगणना करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में पहले 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर में से अब जम्मू कश्मीर को के लद्दाख और जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया जम्मू कश्मीर, और इस प्रकार से अब 28 राज्य बचे हैं भारत में और 9 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ऊन की प्रथम मिल कब और कहाँ लगी? तो भारत में प्रथम मिल 1870 ईस्वी में कानपुर में ऊन का लगा था, भारत में पहली बार 1870 ईस्वी में ऊन का प्रथम मिल कानपुर में लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पूरी तौर पर कौन सी प्लेट के ऊपर स्थित है? जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया प्लेट का उपखंड है, तो भारतीय प्लेट पर यह स्थित है भारत पूरी तौर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालय की राज्य संघ किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने संग्रहालय के राज्य संघ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अधिकांश निवासी ईसाई हैं? तो भारत के नागालैंड में सबसे ज़्यादा निवासी ईसाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक प्रक्षेपित उपग्रह श्रृंखला है? तो इनसैट है भारत का सर्वाधिक प्रक्षेपित उपग्रह श्रृंखला, इनसैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन थी? तो भारत की प्रथम विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड थी कुमारी रीता फारिया, प्रथम मिस वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस तरह के वस्त्र का निर्यात करता है? तो भारत सूती वस्त्र का निर्यात करता है, सूती वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र कहाँ है? तो अंकलेश्वर है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र, अंकलेश्वर। यह गुजरात के मरुच जिले में पड़ता है अंकलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ और राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज एक्सचेंज कौन सा है?
तो वह है ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुंबई, भारत का पहला ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज एक्सचेंज है, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का एक सुंदर उपक्रम जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मेडिकल सिस्टम के साथ कब स्थापित हुआ है, तो सन 1977 ईस्वी में यह स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम इजराइल में भगवान यीशु ख्रिस्त का जन्म हुआ था, बेथलेहम इजराइल में इनका जन्म हुआ था, इजराइल में यीशु भगवान यीशु का जन्म हुआ था, जिन्हें नासरत के नाम से भी जाना जाता है, नासरत का यीशु भी कहा जाता है इनको, और ईसाई धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण साम्राज्य के प्रमुख राजवंश कौन कौन थे, तो ब्राह्मण साम्राज्य के जो राजवंश थे शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ को हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था, पुष्यमित्र शुंग, उसके बाद शुंग वंश के अंतिम शासक को वध करके कण्व वंश की स्थापना हुआ था, और उसके बाद सातवाहन वंश, तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक और शुंग वंश के संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है, तो झारखंड में बोकारो का तापीय बिजली घर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति पृथ्वी से कितना गुना बड़ा व भारी है, तो बृहस्पति पृथ्वी से 13,318 गुना बड़ा और भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य के किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, तो बिहार राज्य के सोनपुर जिला में, सोनपुर का मेला बहुत ही फेमस मेला है, पशु मेला, सोनपुर का पशु मेला, बिहार राज्य में सोनपुर मेला, पशु मेला बहुत ही फेमस है, तो सोनपुर में लगता है पशु का मेला बिहार में। बिहार में ग्रीष्मकाल की अवधि क्या होती है, तो मार्च से मध्य जून तक, और उसके बाद जुलाई से तो वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाता है, मानसून आ जाता है। बिहार के किस जिले में जायद की फसल नहीं बोई जाती है, तो सिंहभूम जिले में, ये जो आप झारखंड में है सिंहभूम जिला, तो यहाँ पर जायद की फसल नहीं बोई जाती है, तो जायद फसल रबी और खरीफ फसल के बीच में बोई जाने वाली फसल होती है, जायद फसल, जैसे सब्जी तरबूज हो गया, खीरा हो गया, तो यह जायद फसल है, और ये रबी और खरीफ फसल के बीच में इस तरह का फसल को बोया जाता है, जायद फसल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, तो टंगस्टन से बिजली का बल्ब का फिलामेंट बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस के लिए खड़ा है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है बायोस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइनरी संख्याओं में प्रयुक्त होती है, तो दो संख्या बाइनरी संख्या होती है, 0 और 1, दो संख्या होती है बाइनरी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम संस्कृति किस क्षेत्र में विकसित थी, तो बुर्जहोम संस्कृति जो थी झेलम घाटी में यह स्थित थी, बुर्जहोम संस्कृति झेलम घाटी में, तो ये जो है श्रीनगर का पुरातात्विक महत्व वाला कश्मीर का प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली फिल्म चोखेर वाली, हिंदी फिल्म रेनकोट और अंग्रेजी फिल्म द लास्ट लीर, इन सभी नेशनल अवार्ड विजेता फिल्मों के निर्देशक कौन है, तो ये है ऋतु फर्णो घोष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो विद्युत के उष्मीय प्रभाव पर फ्यूज का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म थ्री इडियट्स के मुख्य नायक कौन है, तो आमिर खान फिल्म थ्री इडियट्स के मुख्य नायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, तो प्रोग्राम कहा जाता है, प्रोग्रामिंग भाषा में जो लिखा जाता है प्रोग्राम, उसको प्रोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन वैदिक ग्रंथों में किसका उल्लेख नहीं है, तो बाल विवाह का उल्लेख नहीं है प्राचीन वैदिक ग्रंथों में, बाल विवाह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है, तो चंडीगढ़ में यह स्थित है, प्रसिद्ध रॉक शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता द्वारा सेव किए गए पुनः प्रयोग योग कमांडो का स्टेप्स के सेट को क्या कहते हैं, तो माइक्रो कहते हैं, माइक्रो कहा जाता है इसको, माइक्रो एक कंप्यूटर का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में होता है इसमें, और मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर की तुलना में इसका आकार छोटा होता है, इसी को माइक्रो कहा जाता है। तो राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो कमलेश शर्मा था,
राष्ट्र सचिव का राष्ट्रमंडल का सॉरी राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाले पहले भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है, तो सिद्धार्थ है। भारत में निर्मित सबसे पहले जो कंप्यूटर का निर्माण किया गया था उसका नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनगणना अधिनियम किस वर्ष बना है, तो भारत में जनगणना अधिनियम 1948 ईस्वी में बना है और रेगुलर जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष पर 1881 ईस्वी से प्रारंभ हो गया था रेगुलर जनगणना भारत में। और लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ब्रिटिश के शासनकाल में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कुछ क्षेत्रों में जनगणना करवाया गया था और भारत में संपूर्ण भारत में इसकी शुरुआत पूर्ण भारत में की गई थी 1881 ईस्वी में। अब भारत जनगणना अधिनियम 1948 ईस्वी में। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं, तो 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उर्वरकों की कुल खपत का कितना भाग रबी फसलों पर प्रयुक्त होता है, तो इसमें 43,134 भाग जो है रबी फसल पर प्रयुक्त होता है उर्वरकों की खपत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर महमूद गजनवी ने सन 1001 से 1027 तक 17 बार आक्रमण किया। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर है, उसको लूट लिया था बुरी तरह से। तो ये कब लूटा था, तो 1025 से 26 ईस्वी के बीच में लूटा था। 1025 में महमूद गजनवी ने गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को लूटा था 1025 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देश में सिंचाई के प्रमुख स्रोत कुएं हैं, नहीं देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुएं नहीं है, तो ये सही नहीं है क्योंकि और स्रोत भी है, नदियों से, तालाब से, नहर से भी सिंचाई किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई थी, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहले भारत का पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य घोषित किया गया है, तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो बांग्लादेश के साथ लगती है सबसे लंबी स्थलीय सीमा भारत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी, तो सुष्मिता सेन भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सुदूर दक्षिणी छोर किसके नाम से नामित है, तो इंदिरा गांधी, इंदिरा पॉइंट जिसको बोला जाता है, इंदिरा पॉइंट के नाम से दक्षिणी पॉइंट, भारत का दक्षिणी पॉइंट जो है अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, तो भारत का सुदूर दक्षिणी छोर इंदिरा गांधी के नाम से नामित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, राष्ट्रीय पुष्प कमल और राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय मिठाई जलेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री, और भारत से पहली बार राकेश शर्मा ही अंतरिक्ष में गए थे। तो ये थे आज के हमारे कुल 50 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से। तो थैंक यू, वीडियो सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पर सभी विषयों को पढ़ाया गया है, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर को भी पढ़ाया जा रहा है, और सभी क्लास के 6 से 12 क्लास के NCERT बुक को और नोट्स और क्वेश्चन आंसर को भी यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो थैंक यू।